हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पंडित एंड थीस, दिस इज योर अथर्व भैया। और आज हम लोग एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब जो है वो निकालने वाले हैं। एक बहुत एक यूनिवर्सल क्वेश्चन जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जनरली सवाल पूछते रहते हैं कि भैया हम सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करें और साथ ही साथ में अपनी सेल्फ स्टडी कैसे करें। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि जनरली जो आंसर्स तुमको मिलते हैं वो इतने प्रैक्टिकल होते नहीं है। 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 घंटे तो करनी पड़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगा। ये सारे जवाबों के बीच में हम घूमते रहते हैं, हमको एक्चुअल सोल्यूशन मिल नहीं पाता है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रे हो चुका है क्योंकि सब्सक्राइब है। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यार देखो, यहाँ पर हम लोग सब कुछ छोड़ के डायरेक्टली जो है अपने सोल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। ये जो वीडियो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 अलग अलग हिस्सों में ये जो वीडियो है वो डिवाइडेड है। पहले हिस्से में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है। दूसरे हिस्से में हम लोग सेल्फ स्टडी की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ कि हमारा दिन भर में टाइम किधर जाता है। 7 घंटे ऑलमोस्ट हमारे स्कूल में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 घंटे जो है ऑलमोस्ट हमारे कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लास जो हम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में मान लेते हैं कि 7 घंटे हमारे सोने में जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर आगे नींद लिख दूंगा। फिर मान लेते हैं कि 2 घंटे हमारे अदर काम करने में जाते हैं, जैसे कि नहाना हो गया, खाना हो गया, धोना हो गया, बाजार से कुछ लाना हो गया, टाइम पास करना हो गया, मस्ती करना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए, तो मोटा मोटा हमारे पास में ऑलमोस्ट 5 घंटे का समय जो है वो स्पेयर बचता है। आई होप सो। ठीक है, 7 और 3 10 17, तो 19, 5 घंटे का समय हमारे पास स्पेयर बचता है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, सही बात तो है, 5 घंटे का समय बच तो रहा है, 5 घंटे के अंदर आप सेल्फ स्टडी करो। लेकिन एक बात समझो मेरी जान कि ये जो 5 घंटे हैं ये एक साथ नहीं मिलते, ये टुकड़ों में मिलते हैं। सुबह 1 घंटा मिल गया, शाम को 2 घंटे मिल गए, फिर रात को 2 घंटे मिल गए, ऐसे करके 5 घंटे होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पर मैनेज कैसे करना है। अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी। वो क्या थी? वो ये थी कि यार तुमको सब्जेक्ट्स कौन से भाई, फिजिक्स है हमारे पास में, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, SST है, इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में नहीं पढ़ने हैं। ये सारे सब्जेक्ट स्कूल में भले एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं एक दिन में, क्योंकि वो 7 पीरियड्स अलग अलग होते हैं, तुमको सारे सब्जेक्ट्स दिन भर में एक साथ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तुम खुद सोचो, अगर तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, मान लो कि 2 से 2.5 घंटे की हमारी जो है वो सेल्फ स्टडी हो रही है इन 5 घंटों में से। ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम हर एक सब्जेक्ट को टाइम देने जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, SST, तो हर सब्जेक्ट को कितना टाइम मिलेगा? मतलब तुम सिर्फ कहने के लिए वो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जो उस सब्जेक्ट को समझने के लिए डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो तो कहीं से आ ही नहीं पा रही है। इसलिए से बिग नो कि हम सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कर लेंगे। तो भैया हम करें कैसे? अब मैं वापस से उस लास्ट वीडियो का आता हूँ। मैंने बोला था कि तुमको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अपनी पढ़ाई को, दिन भर की पढ़ाई को 2 हिस्सों में बांटना है। लेकिन ये उसका थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में सब डिस्कस करने वाला हूँ। वो वीडियो के अंदर बाकी का टॉपिक भी था अपने पास में, ये वीडियो में बिल्कुल मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको अपने अपने प्रैक्टिस को, पढ़ाई को जो है वो 2 हिस्सों में बांटना है। पहला है थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिस। यानी कि एक दिन में कोई तुम्हें नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट करने हैं। तुम एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ, जैसे कि मान लो मैंने साइंस उठाया, और एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट उठाओ, जैसे कि मैंने मैथ्स उठाया। इससे होगा ये कि प्रैक्टिस करने वाला तो मैथ्स ही है, हाँ फिजिक्स भी है पर मेजॉरिटी मैथ्स ही है, तो मैथ्स तुम्हारा रोज होते जाएगा और थ्योरी सब्जेक्ट तुम्हारा रोज होते जाएगा, एक ना एक, एक दिन साइंस, एक दिन सोशल साइंस। पर यहाँ पर भी मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखना हूँ कि तुम्हारा बैकलॉग होगा, हो सकता है कि पुराने कुछ सब्जेक्ट तुमने कुछ चैप्टर्स तुमने नहीं किया हो, वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के मैं आगे तुमको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर हमने अगले दिन क्या किया, SST और मैथ्स कर लिया। ठीक है, फिर हमने अगले दिन क्या किया, साइंस और मैथ्स कर लिया। ठीक है, पर इसमें देखो होगा ये, धीरे धीरे जब तुम 4th दिन पर आ रहे हो ना, तो मैथ्स तो रोज हो रहा है पर साइंस SST को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करो कि ये जो आखिरी के 2 दिन हैं वीक के, उस दिन दोनों ही टाइम तुम थ्योरी सब्जेक्ट कर लो, जैसे कि SST कर लिया और साइंस कर लिया। ठीक है, और इसको भी कैसे मैनेज करना मैं बताता हूँ, SST कर लिया और साइंस कर लिया। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो कि साइंस तो करोगे ही, ठीक है, साइंस तो अपने को करना ही है, पर यहाँ पर चूंकि तुम दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स कर रहे हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी बोरियत फील हो, यहाँ पर तुम पता क्या कर सकते हो, फिजिक्स के तुम न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी,
साइंस का वो एक पार्ट भी है और वो प्रैक्टिस करने वाला पोर्शन है, तो तुमको थ्योरी वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। सेम तुम यहाँ पर भी कर सकते हो चाहो, अगर हो लग रहा है कि नहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो यहाँ पर आखिरी दिन जो है तुम दोनों ही थ्योरी जो है वो कर सकते हो। और इसके बाद में सिक्स डे यानी कि सैटरडे वाले दिन हमने क्या किया कि पूरा दिन मैथ्स कर लिया, तो यहाँ पर जो दो दिन अपने बचे हुए थे वो यहाँ पर कंपेंसेट हो गए। ऑलराइट, समझ गए, क्लियर है इतना। अब भैया इंग्लिश और हिंदी का क्या? देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा पास्ट इंग्लिश और हिंदी के साथ में बहुत अच्छा नहीं रहा है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि भैया यार मेरे ना बिना मेहनत के इंग्लिश हिंदी में नंबर नहीं आते हैं, तो तुमको अल्टरनेट बेसिस पर जो है रोज 20-25 मिनट निकाल के जो है वो इंग्लिश हिंदी कर लेना चाहिए, ठीक है। पर अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, तुमको पता है कि एग्जाम टाइम पर कर लोगे, एग्जाम टाइम पर ही करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए बने हैं, ठीक है। अच्छा भैया ये तो हम समझ गए, ये तो हम कर लेंगे, पर मेरी कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। वो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये है कि मेरा है बैकलॉग। क्या है मेरा बैकलॉग? है मेरा फिजिक्स में भी बैकलॉग है, मेरा केमिस्ट्री में भी बैकलॉग है, मेरा बायो में भी बैकलॉग है, सब में बैकलॉग है मान लो, ठीक है। अब मैं डेली बेसिस पर कैसे मैनेज करूं? तो देखो, बैकलॉग को सॉल्व करने का ना सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें आने वाले 2 हफ्तों के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आने वाले 2-3 हफ्तों के लिए हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और यही एक तरीका होता है। अब भैया इसमें हम अपने बैकलॉग को कैसे एडजस्ट करें? मान लो कि तुम डेली बेसिस पर 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है। इस हफ्ते तुमको अपना फिजिक्स का बैकलॉग पूरा निपटाना है। मान लो कि तुम्हारा 2 चैप्टर का बैकलॉग चल रहा है ना, और इस वीक कैसे भी करके तुमको फिजिक्स का बैकलॉग निपटाना है। रोज डेली बेसिस पर 30 मिनट्स एक्स्ट्रा देकर तुम पूरे वीक में अपना फिजिक्स का बैकलॉग खत्म कर सकते हो। हो सकता है कि शायद वीक खत्म होने से पहले ही तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाए। तो यहां पर इस वीक मैं 2.5 घंटे ना पढ़ते हुए 3 घंटे पढ़ूंगा, पर अपना बैकलॉग पूरा कर लूंगा। देखो, तुम बैकलॉग को जितना इग्नोर करते जाओगे ना, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि हमें, जैसे कि एक एग्जांपल दो तुमको, मान लो कि घर में पानी भर आ रहा है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि घर में पानी भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मेरे जो पैर हैं, मतलब पैर में थोड़ा थोड़ा पानी फील होने लग गया है। अगर मैं उसी टाइम पर एक्ट कर लूं तो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उस टाइम पर एक्ट नहीं किया तो थोड़ी देर बाद में पानी और मेरी कमर के लेवल तक आ जाएगा, ठीक है, फिर चेस्ट के लेवल तक आ जाएगा, फिर सर के लेवल तक आ जाएगा, राइट। तो वो सर के लेवल तक, सर तक पानी ना आए, इसलिए मुझे पहले ही एक्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर वीक में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत मुझे लगेगी, पर मैं क्या करूँगा कि बैकलॉग कवर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने रूटीन में बैकलॉग कर लूँगा। इस वीक मान लो फिजिक्स कर लिया, अगले वीक केमिस्ट्री का बैकलॉग कर लेना, उसके अगले वीक बायो का बैकलॉग कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि यार तुम्हारा इसके थ्रू मैथ्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स कवर भी हो जाएंगे, ठीक है, और जो बैकलॉग चल रहा है वो भी सारा का सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर यार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें। पहली चीज़ तो ये है, मैथ्स की प्रैक्टिस जो तुमको एनसीईआरटी करवाई जा रही है वो तो करना ही है, साथ ही साथ तुम कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। मैंने जनरली ओसवाल की क्वेश्चन बैंक जो है रिकमेंड कर रखी है, और इसके अंदर तुम्हारे काफ़ी सही सवाल होते हैं, काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो तुम्हें इजीली ऑनलाइन या फिर तुम्हारे नियर बाय बुक स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। रीज़न ये है क्वेश्चन बैंक करने का, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। ये कंप्लीट डेडिकेटेड रेफरेंस बुक्स भी नहीं होती है कि नहीं यार आर डी शर्मा करनी पड़ेगी पूरी, आर एस अग्रवाल करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपके पी वाई क्यूज होते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके से एक परफेक्ट ब्लेंड बन पाता है, ठीक है। तो तुम मतलब क्वेश्चन बैंक जो है वो परचेज कर सकते हो। ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक मैंने जनरली रिकमेंड कर रखी है, चाहो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम किसी भी नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हो। आई होप कि ये चीज़ें जो है तुमको समझ में आ गई होंगी कि सारे सब्जेक्ट्स डेली करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं सेल्फ स्टडी के सही पैटर्न के ऊपर, ठीक है। देखो यार, मैंने जितना तुमको अभी तक बताया उसमें एक चीज तो क्लियर है कि अपने को सारे सब्जेक्ट्स डेली नहीं करने हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट अपने को डेली नहीं करने हैं। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है कि हमको एक परफेक्ट ब्लेंड रखना है, ऐसा ना हो कि कोई एक सब्जेक्ट ओवरडू हो रहा है, ऐसा ना हो कि कोई एक सब्जेक्ट अंडरडू हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग चल रहा है, तो इस वीक मत करो केमिस्ट्री, है ना। तुमको पता है ना कि तुम केमिस्ट्री में शायद एक इसमें आगे चल रहे हो, या फिर बायो में एक इसमें आगे चल रहे हो, तो एक वीक थोड़ा सा उसको तुम धीरे धीरे करते रहो, उस पर फोकस कर लो जो तुम्हारे तुमसे नहीं हुआ है, क्योंकि इस बीच में एग्जाम्स भी आएंगी। तो सारे सब्जेक्ट्स को एक लेवल पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसी के साथ साथ मैं इस पर भी बात करने वाला हूं कि भैया हमारे स्कूल या कोचिंग में से
हमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब हम स्कूल के अकॉर्डिंग चले या फिर हम कोचिंग के अकॉर्डिंग चले या फिर हम अपने ऑनलाइन कोर्स के अकॉर्डिंग चले। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें समझना। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अब देखो यार, जब मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, अभी तक तो हमने बात कर ली कि तरीका क्या होना चाहिए, अब हम बात करते हैं कि करना कैसे। ठीक है, दो टाइप की यहां पर हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, हमको पता भी नहीं होता। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा स्कूल में जाना पड़ेगा। मान लो कि स्कूल में हमको फिजिक्स पढ़ाया गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी तो फिलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम वैसे भी सेल्फ स्टडी में जनरली करोगे नहीं। मान लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के 45 मिनट के हमारे पीरियड्स लगते हैं। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो हम सोचते हैं ना कि सेल्फ स्टडी हो नहीं पाती, इससे तुम सारी चीज़ें समझ पाओगे, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो अब यार यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका रिलेशन इससे हम लोग आगे जाके बनाएंगे। ठीक है, तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी है ना, वो दो हिस्सों में बटनी चाहिए। माय प्रोग्रेस में क्या आता है देखो, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट वाज टॉट क्या, क्योंकि थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए। आज की डेट में ये जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हुए हैं, इसमें हमको जो कुछ भी पढ़ाया गया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, ठीक है, अज्यूम करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। चलो फिजिक्स में मान लो हमको ह्यूमन आया पढ़ाया गया, ह्यूमन आया में हमको मान लो कि पीरियड अपना 45 मिनट का था, तो पूरे 45 मिनट जनरली यूटिलाइज नहीं हो पाते, जो पढ़ाया जाता है इफेक्टिवली वो कमी कंटेंट होता है। ह्यूमन आके पार्ट पढ़ा दिया, हो गया, तो जो आपको टीचर ने 45 मिनट में पढ़ाया है, आप घर पर आकर आसानी से 5 से 10 10 15 मिनट में उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो 45 मिनट में पढ़ाया गया है वो सिर्फ एक्सप्लेन करना नहीं था, आपको समझाया गया। ठीक है, उसके बाद में बच्चों के क्वेश्चंस लिए गए, तो वो चीज़ वहां पर हुई थी। राइट, घर पर आने के बाद में या फिर स्कूल से निकलने के बाद में या फिर रात को जो भी आज तुमको पढ़ाया गया है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, एसएसटी में, जस्ट गो थ्रू इट वंस। गो थ्रू करने का मतलब ये नहीं है कि तुमको सारा का सारा वापस से पढ़ना है, नहीं यार एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, नहीं, जो भी पढ़ाया गया है एक बार बस उसको देख लो। यार ह्यूमन में ये पढ़ाया गया था, ये था, ये था, ये था, याद है, चलो ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था, याद है। ये तुम्हारी मैं ये वाली स्टडी से अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब अलग हो गया, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि यार थोड़ा टाइम निकाल दिया 15-20 मिनट का, है ना, और कभी भी चलते फिरते देख लिया कि आज ये पढ़ाया गया था, इसमें ये पढ़ाया गया था, इसमें पढ़ाया गया था, जिससे कि यार तुम ट्रैक पर रहोगे, तुमको पता रहेगा कि क्लास में चल क्या रहा है और मुझे आता है नहीं आता। अब मान लो कि फिजिक्स में तुम्हें जो पढ़ाया गया था वो तुमको नहीं आया, तो उसको इधर डाल दो, डिडंट अंडरस्टैंड में, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। इधर एक और चीज़ तुम्हारी आती है बैकलॉग, तो इस पर मैं भी आता हूँ। तो इतना समझ गए कि यार सेल्फ स्टडी के दो हिस्से हैं, पहला है कि जो पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज मार लो, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कर लो, जो भी पढ़ाया गया आज थोड़ा टाइम निकालो 15-20 मिनट का, जो भी पढ़ाया गया बस गो थ्रू इट वंस, हाँ सोशल में ये था, अच्छा ये बताया था मैडम ने, ठीक है ये बताया था, ठीक है, अच्छा ये मुझे नहीं आया तो इसको ये जो अपना करने का है ना उस लिस्ट में डाल दूं, समझ में नहीं आया डिडंट अंडरस्टैंड में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं बैकलॉग वाली तो वो कर ली। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, कि सेल्फ स्टडी के अपने दो एरोज बने हुए हैं। पहला एरो है कि जो मुझे पढ़ाया गया है वो मैं एक बार आकर रिवाइज कर लूँ 15-20 मिनट में, तो मेरा काम हो गया, जो मुझे आज पढ़ाया गया था सारी चीज़ें मुझे आती हैं, जो नहीं आती हैं वो मैंने माय प्रोग्रेस में डाल ली कि मुझे ये करनी है। ठीक है, और जो मैं यहाँ पर समय दे रहा हूँ ना उसमें करूँगा। ठीक, और इसी के साथ साथ माय प्रोग्रेस में बैकलॉग भी आता है जो कि ये है। तो ये जो पूरा अपना पोर्शन है ये माय प्रोग्रेस वाला पोर्शन है जो मुझे खुद से पढ़ना है बैठ के आराम से। ये जो पोर्शन है वो मेरा व्हाट वाज टॉट वाला पोर्शन है कि यार ये पढ़ाया गया था एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया। ठीक है, इससे जो आपकी क्लास में अभी चल रहा है वो आपको पता रहेगा। ठीक, और जो आपको खुद से पढ़ना है वो आपका इससे चलता रहेगा। ठीक है, सो टू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि यार जो पढ़ाया गया उसको एक बार पढ़ लो आने के बाद में, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, भले वो सोशल के लिए हो, साइंस के लिए हो, हिंदी के लिए हो, सॉरी मैथ्स के लिए हो, जो भी पढ़ाया गया एक बार गो थ्रू इट। ठीक, और उसके बाद में जो अपनी मेन सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे ना वो 2-3 घंटे की, उसके अंदर फिर क्या क्या करो, अपने बैकलॉग कर लो। ठीक है, उसके अंदर अपने बैकलॉग के साथ साथ तुम जो नहीं समझ में आया, नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो समझ में नहीं आ रहा है वो कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पढ़ाया गया है उसका बैकलॉग भी नहीं होगा और जो यहाँ पर पढ़ना है वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे, और सेल्फ स्टडी भी सही से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि क्लास में क्या चल रहा है और इसी के साथ साथ तुम अपने बैकलॉग पर भी फोकस कर रहे हो। एक लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है, भैया स्कूल को फॉलो करें या फिर कोचिंग को फॉलो करें, ट्यूशन को फॉलो करें? देखो,
एक जगह जैसे कि स्कूल है अपना, मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि टेंथ तक स्कूल को फॉलो किया करो, क्योंकि टेंथ में अपना मेन गोल क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मेन गोल नहीं है, कुछ बच्चों का होता है पर मैं वो बात अभी नहीं कर रहा हूँ। टेंथ का मेन गोल क्या है कि अपने को टेंथ बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो जो अच्छे मार्क्स लाने हैं उसका रिलेशन कहीं ना कहीं स्कूल से भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्कूल के अकॉर्डिंग चला करो, स्कूल में टेस्ट आ रही तो उन पर ध्यान दे दो, एग्जाम आ रही तो उन पर ध्यान दे दो, ठीक है, असाइनमेंट सही से कर दो। कोचिंग को अपना एज अ कह सकते हो कि सप्लीमेंट रखो कि यार हाँ स्कूल में नहीं समझ में आया तो कोचिंग में समझ में आ जाएगा, या फिर अगर कोचिंग में लेट चल रहा है तो स्कूल में समझ में आ जाएगा, पर जो अपना जो भी डेडलाइंस और उस चीज़ को फॉलो करना है ना वो स्कूल का ही फॉलो रखना, ठीक है। नहीं तो फिर तुम ऐसा बोलोगे कि नहीं मैं तो सिर्फ कोचिंग का ही पढ़ता हूँ, स्कूल में तो ध्यान नहीं देता, तो स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम्स आएंगे ना उनमें फिर दिक्कत होंगी, ठीक है। तो स्कूल का अपना सारा जो पाथ है वो फॉलो करना, समझने के लिए भले तुम कोचिंग का इस्तेमाल कर सकते हो पर जो भी डेडलाइंस वगैरह है वो सारी स्कूल की ही फॉलो करना। विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कुछ नहीं, बस अगर वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर जरूर करना, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज में टैग करके पूछ सकते हो। गुड बाय।